स्लीप एपनिया नाम की बीमारी है, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। स्लीप एपनिया का एक पेशेंट मेरे पास में आया, काफ़ी सारा हेप्टी, बहुत फैट, यहाँ भी बहुत फैट है, चेहरे के ऊपर फैट, बहुत मोटा सा ऐसा, और कंप्लेन करने लगा कि भाई मुझे, मतलब बाकी लोग जो बोलते हैं कि भाई ये बहुत खर्राटे लेता है और सुबह उठने के बाद में फ्रेश नहीं लगता। फिर उसका मैंने वीडियो निकाला, मतलब सोता है तो मतलब वीडियो निकालो बताओ। वीडियो जब निकाला तो वीडियो में ऐसा दिखाई दिया कि वो ऐसा बहुत जोर जोर के खर्राटे ले रहा है, खर्राटे ले रहा है, और खर्राटे लेते 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 एक समय ऐसा आ जाता है, एक 10-15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड इसके बाद में, कि जब वो सांस उसकी बंद हो जाती, और सांस बंद हो गई बाद में एकदम टोटल एपनिया, मतलब बिल्कुल सांस ना लेना या छोड़ना कुछ भी नहीं है, और फिर उसमें फिर से चालू हो जाता है, सांस लेना लेना अंदर लेना और छोड़ना, मतलब फिर खर्राटे चालू, फिर खर्राटे, फिर सांस लेना अंदर छोड़ना बाहर, अंदर बाहर करना, फिर 20-30 सेकंड हो गए, फिर एक समय ऐसा जाता है कि उस समय बिल्कुल कुछ भी नहीं, एपनिया है, और बाद में फिर सांस लेना चालू और वो खर्राटे जोर जोर से फिर ले रहा है। तो ऐसा वो जो एपनिक पीरियड रहता है, जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, हाइपोक्सिया उसमें हो सकता है, तो वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। उससे क्या होता है, एक तो नींद बराबर होती नहीं है, शांति की नींद होती नहीं है, जो NREM REM स्लीप जो है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ऐसे जो स्लीप के दो प्रकार है, तो उसमें काफ़ी बाधाएं आती रहती है। और फिर जब उनकी NREM REM स्लीप ठीक नहीं होती, सुबह उठने के बाद में फ्रेश लगता नहीं है। ये लोगों में क्या होता है कि जो सांस लेने की नली है तो उसके ऊपर ज़्यादा फैट, मतलब ट्रकिया जो है वहाँ ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, और दूसरा जबान जो है, जीवा वो पीछे गिर जाती है। तो जब जीवा पीछे गिर जाती है तो जो हवा जहाँ से जाना चाहिए, ट्रकिया में से जाना चाहिए अंदर, उसको रोक आती है, रोग आने के बाद में फिर खर्राटे चालू हो जाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि सांस ही बंद हो गई क्योंकि पूरा ब्लॉक हो गया हो, फिर हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, फिर अंदर से ताकत आके फिर वो हवा खींचे जाएंगे अंदर और फिर बाहर आएंगी, क्योंकि एपनिया हो गया, अभी तो ऑक्सीजन की लेवल ही कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, तो फिर अभी वो जोर से फिर सांस लेगा, ऐसा मतलब चलते रहता है। उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। उसके काफ़ी सारे कारण है, एक तो मैंने बताया कि मोटापा है, या फिर यहाँ ट्रकिया में बहुत फैट जमा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक तो ऐसा है कि स्लीप एपरेटस जो आता है वो लगा दिया, स्लीप ऐप, तो उसमें मतलब सोते जब है तो वो पूरा लगा के ही सोना है। तो स्लीप एपरेटस में होता क्या है कि वो जो एपनिया है, मतलब सांस बंद हो जाना, फिर खर्राटे लेना, फिर सांस बंद हो जाना, फिर खर्राटे लेना, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कॉन्स्टेंट रहता है और वो जबान को पीछे गिरने देंगे नहीं, तो एक वो हो जाता है। दूसरा यह है कि फिर वजन कम करो, वजन कम करो, और वजन यदि कम करते हैं मतलब फैट काफ़ी उतार देते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये लोगों को बहुत काफ़ी सारा फैट रहता है इसमें, तो उसमें वो खर्राटे मारते रहते हैं। तीसरा है कि एक जो लोगों को टेंशन है, एंग्जाइटी है, तो उसके लिए अपन एंग्जियोलाइटिक दवाई दे सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी एंग्शियस हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं कुछ तो भी कर रहा हूँ, कुछ तो भी बहुत बेकार या बहुत मतलब धोखे वाला कुछ तो भी हो रहा है, इसलिए फिर वो टेंशन में आके सोते भी नहीं है, तो उनको ज़रा एक एंजियोलाइटिक दे दिया तो उससे उनको नींद अच्छी लगती है, और उनको हम बोलते हैं कि भाई एक साइड पे सो जाओ, मतलब ऐसा ना सोते हुए एक साइड पे, राइट या लेफ्ट साइड पे सोने का है, ताकि जो टंग जो है वो टंग फॉल पीछे होगा नहीं और वो खर्राटे होंगे नहीं, ऐसा एपनिया होगा नहीं। तो ऐसे कुछ इलाज करके वो जो स्लीप एपनिया है वो ठीक हो जाता है और लोग अच्छा जीवन उनका जी सकते हैं। क्यों होता क्या है कि यदि स्लीप एपनिया बढ़ते गए और वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, और स्पेशली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब रात भर की नींद ऐसी होगी कि जिसको वो व्यक्ति को ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हुआ, हो सकता है कि ये व्यक्ति को अटैक का खतरा हो सकता है, मतलब अटैक आ जाए, क्योंकि वो प्रोन हो जाते हैं ना, ऑक्सीजन का सप्लाई कम है बॉडी में, और सुबह सुबह जब काफ़ी सारी मतलब 6-7 घंटे 8 घंटे आप ऑक्सीजन के कम सप्लाई में रह रहे, हो सकता है कि सवेरे वो अटैक मार देगा। तो इसलिए सडनली सवेरे इन्फार्क्ट आना और डेथ होना, वो भी ये लोगों में हो सकता है। और फिर बाकी तो नॉर्मल है कि भाई सुबह उठ के फ्रेश लगता नहीं है, फिर दिन भर नींद आती रहती है, काम नहीं अच्छा कर सकते, चिड़चिड़ापन होता है, तो इसके लिए भी ये इलाज करना जरूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।